हम नहीं देख लिया क्या हुआ, बात आई है तो ये भी समझ ले मेरे दीनदार भाई कान खोल के सुन लें, और वो लिबरल माफिया के दहशतगर्द भी कान खोल के सुन लें। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया की औरतें ब्राह्मणा हो जाएं, नंगी हो जाएं, मुसलमान मर्द के लिए हुक्म है कि आंखों को नीचा रखे, और अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे हो जाएं तो मुसलमान औरत का यह प्रोटोकॉल है वो फिर भी हिजाब करके निकलेगी और हया करके निकलेगी। अजीब बात है ना, तुम पर्दे में औरत को निकलने देते हो दो दो रुपए की चुंगमे बेचने के लिए, एक एक रुपए दो दो रुपए के ट्रीट ब्लेड बेचने के लिए, जिस कल्चर को तुमने इख्तियार किया, जो तुम्हारा बाप लगता है उस कल्चर को, जिस कल्चर की तुम बातें करते हो, नाच नाच के औरतें ट्रीट ब्लेड बेच रही हैं, नाच नाच के चुंगमे बेच रही हैं। जो हुआ मीनारे पाकिस्तान पर बुरा हुआ, हम तो कहते हैं इन बदबख्तों को 400 के 400 को जहां पर लटकाना लटकाओ, लेकिन उस बेहया औरत के खिलाफ भी इस्लामी, मैं आपको एक बात बताता हूं, अल्लाह की कसम ये जो अमल हुआ है इसकी मुजम्मत है, इसकी मुजम्मत है, लेकिन इस्लामी शरीयत में फहाशी के खिलाफ भी कोई इकदाम है कि नहीं? कैसे अल्लाह फहाशी पिलाई जा सकती है? नहीं पिलाई जा सकती। वाहिद हल है, अगर आप ये चाहते हैं हरासमेंट खत्म हो जाए, ये दीन दुश्मन माफिया ऐसा, अब क्या बनना इनको कि ऐसा माफिया, इनको कहा जाए ना ये बदबख्त जो हरासमेंट जिनसी हरासा करते हैं, इनको चौक में लटका दो, इनको मीनारे पाकिस्तान पे लटका दो। जी कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इन बदबख्तों को पता है अगर कैपिटल पनिशमेंट आई तो ये 1-2% तबका पूरे का पूरा पाकिस्तान से खत्म ही हो जाएगा, ये ऐसे बुरे किरदार के लोग हैं। लेकिन हम किसी को जन्नती और जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट नहीं मांगते, हमें पता है कि एक फाहिशा को भी अल्लाह ताला माफ करना चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने से जन्नत में चली जाए, और एक आलम को भी अल्लाह पकड़ना चाहे तो रियाकारी की वजह से जहन्नुम का इस्तेमाल उससे हो सकता है। किसी के ऊपर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपको यह सोचने की दावत तो दे सकते हैं ना, अल्लाह के लिए मुल्क के अंदर, यह वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, इस वतन के अंदर भी इस्लामी सजाओं को नाफज कर दिया जाए, यह वतन इस्लाम के नाम पर लिया, इस वतन के अंदर भी इस्लाम आ जाए। अगर इस्लाम आ जाए, अल्लाह की कसम, किसी जिनसी दरिंदे को इस तरह के अमल करने की जुर्रत ही ना हो। अगर इस्लाम आ जाए तो इस तरह बेहया मुआशरा ना हो। इस्लाम का मुआशरा क्या मुआशरा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, ये वो दीन है जिससे औरतों की इज्जतें महफूज होंगी। ये उस अमरीका के पीछे चलता चाहते हैं, वो कवानीन लाना चाहते हैं, जिन इन बदबख्तों को यही नहीं पता कि टॉप 10 जो ममालिक है हरासमेंट में, जिनसी हरासमेंट में, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं। इनको पाकिस्तान के बारे में पता नहीं, क्या मसला है? यह भी प्रोब होना चाहिए। मैं इन बातों से सरफे नजर करते हुए कि यह प्री प्लान था, जो भी था, आप उठाइए हरासमेंट उन ममालक में ज्यादा है जिनसी के पाकिस्तान में ज्यादा है? पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है, उन ममालक में ज्यादा है। एक ही हल है, वही दीरी ना बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निषाद अंगेज हाशा की। वो क्या इलाज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे जिनसी दरिंदे मौजूद थे। अपने ही मजहब की औरत की इज्जत के दर पे हो गई, यहूदी थी औरत, यहूदी ने बच्ची ने बड़े वास्ते दिए कि मैं तुम्हारे मूसा को मानने वाली हूं, मैं तुरात को मानने वाली हूं, मेरी इज्जत के दर पे हो गए हो। गुंडा सिर्फ गुंडा होता है, उसका कोई दीन मजहब नहीं होता। उनके हाथ बढ़ते चले गए, उस औरत के दिल में ख्याल आया ये वो दीन है जो नाफिज होगा, कोई जिनसी हरासमेंट नहीं होगी। उस औरत के दिल में ख्याल आया, अब मुझे अगर कोई बचा सकता है तो वो बचा सकता है जो कायनात की हर बेटी को फातिमा की नजर से देखता है। कहा वाह मुहम्मदा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दरे आलिया के आगे लूटी जा रही हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वो चादर लेके आए जिसकी वजह से कभी या अय्युहल मुदम्मिल कहा गया, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया, उस बेटी के सर पर डाल दी और कहा मदीना में रहने वाली यह यहूदी बेटी तू किसी यहूदी की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। यह वो दीन है कि जिसकी वजह से इनकलाब आएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम को नाफिज फरमाए।